गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैम प्रिया मैसी, होम साइंस टीचर। आज का क्लास सेवन के बच्चों के लिए है। बच्चों, आज पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगी वायु प्रदूषण होने के क्या कारण हैं। हम प्रतिदिन लकड़ी, पत्थर का कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। जब कोयला या पेट्रोल ईंट के भट्टों, कारखानों, ताप विद्युत घर, रेलगाड़ियों, मोटर गाड़ियों, जनरेटरों में जलता है तो उससे धुएं के रूप में उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। यह धुआं वायु के साथ मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है। मोटर कार, ट्रक, मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुएं में कार्बन और शीशे के छोटे छोटे कण होते हैं। यह धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसी कारण महानगरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने शीशा रहित पेट्रोल या सीएनजी नेचुरल गैस का वाहन चलाने को अनिवार्य किया है। वायु प्रदूषण से निकलने वाली राख, आंधी, तूफान के समय उड़ती धूल और वनों में लगी आग से निकलने वाले धुएं से भी वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैलता है। आजकल शहरों में वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शहरों में अधिक मात्रा में प्रदूषण कारखानों, यातायात के साधनों व जनरेटर के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण के कारण ही ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर का रंग धूमिल पड़ता जा रहा है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि वायु प्रदूषण के द्वारा कौन कौन सी हानियां होती हैं और हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी जानकारी दूंगी प्रदूषण के विषय में। थैंक यू क्लास।